बिहार झारखंड बॉर्डर की जांच चौकी पर होमगार्ड जवानों के झारखंड की ओर से आने वाली गाड़ियों से रुपए वसूलने की चर्चा अक्सर होती रही है। प्रशासन के अधिकारी चेक पोस्ट पर कड़ी नजर रखने के बड़े बड़े वादे करते रहे हैं, लेकिन इन चर्चाओं के बीच एक बार फिर से परिवहन विभाग में होमगार्ड जवान के रुपए लेने का वीडियो वायरल हुआ है। इस वायरल वीडियो में परिवहन विभाग में होमगार्ड के जवान गाड़ी के ड्राइवर से रुपए लेते दिख रहे हैं। हालांकि हम इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करते हैं, लेकिन ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। होमगार्ड जवानों के गाड़ियों से रुपए लेने के मामले ने एक बार फिर से चेक पोस्ट को सवालों के घेरे में लाकर खड़ा कर दिया है, लेकिन चेक पोस्ट पर लगे सीसीटीवी कैमरे भी इन होमगार्ड जवानों के आगे शो बनकर रह गए हैं और इस तीसरी आंख से खुद को बचाकर होमगार्ड के जवान दिन रात वसूली करने में लगे हैं। सवाल ये उठता है कि प्रशासन के अधिकारी चेक पोस्ट पर कड़ी नजर रखने का दावा करते हैं, इसके बावजूद चेक पोस्ट पर रुपयों का ये कैसा खेल हो रहा है? इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस तरह की जांच हो रही है। दरअसल जरजौली चेक पोस्ट पर इन दिनों पुलिस कर्मियों की तरफ से जमकर अवैध वसूली की बात कही जा रही है। यहां के अधिकारियों और कर्मियों की दर्जनों बार पदाधिकारियों से शिकायतें भी की गई, जिसके बाद कार्रवाई भी की गई, लेकिन इस कार्रवाई का असर कुछ दिन के बाद खत्म हो जाता है और अवैध वसूली का धंधा फिर से चालू हो जाता है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि कैसे एक वर्दीधारी बॉर्डर पर एंट्री करने वाले हर वाहन से रुपए की वसूली करता दिख रहा है। यहाँ के होमगार्ड के जवान बेखौफ होकर दिन दहाड़े रुपए की वसूली कर रहे हैं। इन्हें किसी भी तरह की कार्रवाई का डर भय नहीं है, लिहाजा ये लोग बेखौफ होकर रुपयों की वसूली करने में लगे हैं। वीडियो सही है या गलत ये हम नहीं बता सकते, लेकिन सोशल मीडिया पर इसका वायरल होना कई सवाल खड़े करता है।